Okay, so in short, the time value of money is the idea that money available at the present time is worth more than the same amount in the future. So, मतलब जो हमारे पास current time पे हमारे पास पैसे हैं, ये ज़्यादा importance के हैं, ये इसकी ज़्यादा worth है, इसकी value ज़्यादा है, इसकी buying capacity ज़्यादा है, ये ज़्यादा खरीद सकता है as compared to future. So, the core principle of finance holds that provide money can earn interest. Any amount of money is worth more than the sooner it is received. So, इसी तरीके से जब आप किसी से पैसे भी ले रहे हैं जो आपने किसी को उधार दिए हुए हैं, जैसे लेट्स से आपने 10,000 रुपए दिए हैं, तो अब वो फ्यूचर में आपको 4 साल के बाद 10,000 रुपए वापस करेगा, तो उस 10,000 में इतनी चीजें नहीं आ सकती जितनी कि अब भले 10,000 से आ सकती है. इसीलिए आप उससे इस वजह से उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा कर लोग जो है वो फिर 10,000 रुपए से बजाय जो उस वैल्यू वो जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का ख्याल करते हुए ना लोग फिर उस पर इंटरेस्ट लगा के उससे पैसा लेते हैं. ठीक है, दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड. टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट. इट कैन बी यूज टू कंपेयर इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव एंड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग लोन्स, लीजेस, सेविंग्स एक्सेट्रा. इसी तरीके से जब आपने कर्जे वगैरह देखने हैं तो उसके ऊपर आपको पता चल जाता है इंटरेस्ट कितना आपने देना है. इसी तरह लीजेस वगैरह के लिए या सेविंग्स वगैरह अगर आप लोग बैंक में कर रहे हैं तो उस पर आपको कैलकुलेशन आसान हो जाती है कि आपको फ्यूचर में बैंक जो है वो कितना पे करेगा तो आपको उस पर फायदा होगा, या आपको कितना नहीं पे करेगा तो आपको नुकसान होगा. ठीक है, so time value of money helps in knowing the value of money invested. ठीक है, आपको अपनी उस पैसों की बेसिकली वैल्यू वर्ड पता चल जाती है. as time changes, value of money invested on any project firm also changes. इसी वजह से जैसे जैसे वक्त में चेंज आ रहा होता है, आपके पास जो पैसा है उसकी वर्थ, उसकी बाइंग पावर, उसकी वैल्यू में भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज आ रहा होता है. एंड इट प्रेजेंट वैल्यू इज कैलकुलेटेड बाई यूजिंग मैथमेटिकल फार्मूला. ये फार्मूला आप लोगों ने याद कर लेना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा ईजी है. देखिए, प्रेजेंट वैल्यू को हम डिनोट करते हैं पीवी से और फ्यूचर वैल्यू को हम डिनोट करते हैं एफवी से. ठीक है, वन प्लस इंटरेस्ट रेट के ब्रैकेट में हो गया की पावर एन हो गया. ठीक है, तो आई हमारे पास डिस्काउंट रेट इंटरेस्ट रेट हो गया, एन जो है हमारे पास नंबर ऑफ पीरियड्स अंटिल फ्यूचर वैल्यू इज रिसीव्ड. अब जैसे लेट्स से अगर आप 10 साल के बाद फ्यूचर वैल्यू रिसीव कर रहे हैं तो एन हमारे पास 10 ईयर हो जाएगा. मैंने आप लोगों को जैसे अभी पूरे चार्ट पे बताया कि जो आपका करंट ईयर होता है उसको आप क्या कहते हैं, ईयर जीरो. ठीक है, इस प्रेजेंट ईयर को आप ईयर जीरो कहेंगे, लेकिन इसके बाद वाले ईयर्स आप काउंट करना शुरू करेंगे. लेट्स से 10 ईयर्स अगर आप कर रहे हैं उसको आप वैल्यू एन हो जाएगी हमारे पास 9. समझ आ रही है इस बात की? अच्छा, सो देयर आर सर्टेन रीजंस व्हिच डिटरमाइन द मनी हैज टाइम वैल्यू फॉलोइंग आर द रीजंस. क्या क्या किस किस वजह से रीजंस हैं? ठीक है, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. एज वी नो फ्यूचर इज नेवर सर्टेन. हमेशा फ्यूचर किसी ने, वो कहते हैं ना, कल किसने देखी है, तो फ्यूचर तो किसी ने नहीं देखा. फ्यूचर चेंज होता है एंड वी कैन नॉट डिटरमाइन द रिस्क इन्वॉल्व इन फ्यूचर बिकॉज आउटफ्लो ऑफ कैश इज इन आवर हैंड. अब जो आउटफ्लो, हम कैश का जो आउटफ्लो है, जो पैसा लगाना है, वो हमारे इख्तियार में है. अब इजाज को पता है कि अगर इजाज के पास इस टाइम पे 20,000 रुपए हैं तो इजाज को पता है कि उसने कैसे इस्तेमाल करने हैं, इसके पास कंप्लीट राइट है. लेकिन अगर उसको ये पता होगा कि मैंने कब और कहाँ पे किस होशियारी से इस्तेमाल करने हैं, तो उससे क्या होगा, उससे यही पैसा वो डबल कर सकता है, मैक्सिमाइज कर सकता है. ठीक है, तो वो जो हमने फ्यूचर कहते हैं कि फ्यूचर किसने देखा है, तो वो फ्यूचर में अनसर्टेनिटी या नुकसान या रिस्क से बचने के लिए जो है ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैलकुलेट की जाती है. Inflation is an inflationary economy. The money received today has more purchasing power than the money to be received. जैसे जाज ने भी बताया था कि जो हमने अभी जो अभी purchasing power है ना आपके पैसों की, वो future में जो है वो आपकी कम हो जाएगी. जो note अभी आपको ED पे मिला है 1,000 रुपए का, तो ये अभी worth रखता है. 2 साल के बाद आप कहेंगे भाई 1,000 रुपए नहीं, अब हमें 2,000 रुपए दो. बच्चे भी आजकल के जो पिछले वाले बच्चे थे उनको 10 रुपये और 20 रुपये एक दिन मिला करते थे, आजकल के बच्चे जो हैं वो 1,000 रुपये क्या 1,000 रुपये से कम पे नहीं मानते. तो इन अदर वर्ड्स, अ रुपी टुडे रिप्रेजेंट्स अ ग्रेटर रियल परचेजिंग पावर देन अ रुपी इन फ्यूचर. वही बात कह रहे हैं कि आज का रुपी जो है पैसे की 1 रुपये की भी वैल्यू है, लेकिन अगले आने वाले 1 रुपये की. जैसे पहले हमारे अम्मी अबू वगैरह बताते हैं कि उस टाइम पे ये हुआ करता था, क्या नाम है मुझे भूल गया, पैसे की क्या नाम है, रुपी या रुपी, 1 रुपए से कम की पैसों के क्या नाम होता था, याद है आप लोगों को किसी को? आता नहीं,
अथनी अथनी पैसा टक्का ठीक है ये इस तरह के होते थे। हाँ होता था अथनी होता अथनी होती थी तो उसमें 25 पैसे 50 रुपए, हाँ 25 पैसे 50 पैसे होते थे। तो मुझे याद है हमारे बचपन में वो 25 पैसे की फेंटा टॉफी आती थी, वो 8 टॉफियों की वो एक साइड में वो एक लड़ी टाइप सी बनी होती थी वो मिलती थी। तो और अब अगर जी आप नहीं, जाएं तो डिंग डोंग भी मेरे ख्याल से 2 रुपये या 5 रुपए की तो होगी होगी। जी ऐसे ही है। तो ये सब कुछ किस वजह से हुआ है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से कि पैसे की जो वैल्यू है वो अब कम होती जा रही है। ठीक है अच्छा अब कंजम्पशन भी है इंडिविजुअल जनरली प्रेफर करंट कंजम्पशन टू फ्यूचर कंजम्पशन। अब लोग जो है वो करंट जो भी चीज खरीदते हैं वो करंटली उसको इस्तेमाल करने पर इस्तेमाल कर लेते हैं, ये नहीं कि संभाल के फ्यूचर के लिए रखते हैं। लोगों की साइकी ऐसी है। फिर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, लोगों को अब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अब जो बंदा है वो क्या कहेगा, वो कहेगा मैं आज जल्द से जल्द कहीं पर पैसा लगा लूं कि आने वाले कल में महंगाई हो जाएगी तो फिर मैं इस चीज में पैसा नहीं लगा सकूंगा। ठीक है तो अक्सर इवन ये भी देखा है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यहाँ पर उसका मसला आया था, ये अगवानी जब जा रहे थे तो जी उसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुई थी क्योंकि लोगों को अंदाजा था कि इस टाइम पे इसके पैसे कम हो गए हैं कि लोग घर छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन आने वाले कल में प्रॉपर्टी की वैल्यूज जो है बहुत ज्यादा गिर गई थी क्योंकि काफी सारे अगवानी यहाँ से छोड़ के चले गए थे घर और लोग खरीदने को तैयार नहीं हो रहे थे उस टाइम। तो फिर लोगों ने ऐसे उसमें अपना पैसा यूटिलाइज किया। अब उस टाइम पे पैसा लगाते वक्त लोगों ने क्या किया, अपने माइंड में एक स्केच बनाया। बेशक उनको टाइम वैल्यू ऑफ मनी की टर्म का पता था या नहीं पता था, लेकिन उन्होंने एक स्केच बनाया कि आज को इस घर की इतनी वैल्यू है लेकिन आने वाले कल में आज से 4 साल बाद या 5 साल बाद इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी और जितना हमने पैसा लगाया है उसके इंटरेस्ट रेट के अलावा भी वो हमें प्रॉफिट दे रही है। तो वो उन्होंने ये समझते हुए फिर उन्होंने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दी। तो जो लोग ये नहीं करते, जो ये प्रॉपर वे से इसकी कैलकुलेशन नहीं करते, सर्टेन टाइम्स बल्कि बहुत सारे टाइम्स उनको लॉस हो जाता है। अब ये जो बाकी सारी चीजें लिखी है मैंने आपको चार्ट में बना के दिखाई है किस तरीके से 1000 रुपीज जो है वो आटा खरीदता है, इसमें एग्जाम्पल आ जाती है। इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आपको फायदा देता है। ठीक है कैपिटल बजटिंग डिसीजन, मैंने बिजनेस टू इन्वेस्ट मनी देखें। एक तो राइट नाउ जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उस टाइम पे आप उसमें पैसा लगाते हुए सोचेंगे कि आने वाले कल में ये बिजनेस मुझे उतना पैसा, फॉर एग्जाम्पल अभी आपने 50,000 लगाए हैं तो आने काले कल में 10% इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट के बाव इन्फ्लेशन रेट के बावजूद वो आपको उतना फायदा दे रहा है कि नहीं, और उसके अलावा वो आपको प्रॉफिट दे रहा है कि नहीं, ये आप सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। फिर कैपिटल बजटिंग डिसीजंस के टाइम पे क्या करेंगे, जब आप फर्दर आपका एक बार बिजनेस एस्टेब्लिश हो जाता है तो उसके बाद आप कोई मशीनरी खरीद रहे हैं। अब लोग क्या करते हैं, जब एक बार बिजनेस शुरू हो जाता है तो बिजनेस को एक्सटेंड करना शुरू कर देते हैं, आसान वाली चीजें ले आते हैं। अभी रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें एक बंदा जो है वो आया है सऊदी अरब से और वो क्या कर रहा है, आप अगर नॉर्मल एक आटे रोटी की दुकान पर जाते हैं तो क्या होता है वहां पे, एक नजर आता है आपको एक बंदा बैठा होगा जो कि आटा गूंद रहा होता है, एक बंदा होता है जो पेड़े बना रहा होता है, एक होता है जो रोटियां लगा रहा होता है उस चीज के ऊपर, और दूसरा बंदा जो होता है वो रोटियां निकाल निकाल के साइड पे रखता होता है, और मोस्ट प्रोबेबली एक बंदा सामने को बैठा होता है जो पैसे ले रहा होता है, फाइनेंस से काम कर रहा होता है और आपको रोटियां पैक करके दे रहा होता है। ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है कि नहीं, जब रोटियां लेने जाते हैं जी मैं ऐसा ही बिल्कुल होता ऐसा ही है। होता अब क्या उसने क्या सिस्टम किया है कि दुकान पे कोई भी बंदा नहीं है, अकेला वो पूरी दुकान रन कर रहा है और उसमें जो लोग रोटियां लेने आ रहे हैं मशीन से रोटियां निकल कर बाहर आ रही हैं, और जितना वो 5 6 8 बंदे रोटियां दिन में बनाते हैं वो मशीन जो है रोटियां जो है वो उससे डबल के ट्रिपल टाइम्स रोटियां बना रही है, इतनी जल्दी जल्दी बना रही है। और वो मशीन क्या है, सिंपल मैं आपको इसकी वीडियो अगर मुझे दोबारा मिल गई मैं आपको सेंड करूंगी। जस्ट वो मशीन ये कर रही है कि वो पेड़े जल्दी जल्दी बन रहे हैं और जाके उस तंदूर के अंदर जा रहे हैं, वो तंदूर पूरा एक हॉरिजॉन्टल टाइप का सा बना हुआ है और आपके ऊपर से रोटियां वो जैसे बेल्ट टाइप चलती है वो चलती जा रही है और रोटियां उस बेल्ट के ऊपर से गुजर रही है, पकती हुई आगे से निकलती जा रही है। तो वो अकेला बंदा उसको मैनेज कर रहा है, मतलब हमारे पास मैन फोर्स भी उस मशीन ने बचा ली, उसने टाइम भी बचा लिया, उसने प्रॉफिट भी ज्यादा दे लिया। तो ये क्या है, उसने बिजनेस को एक इनोवेशन भी कर ली, एक एंटरप्रेन्योरल पर्सपेक्टिव भी यहाँ पे लिया। अगर दुबई वगैरह में ऐसा होता हो, आई डोंट नो मूसा वगैरह कुछ शायद पता हो, लेकिन वो बंदा वीडियो में बता रहा था कि ऐसा सऊदी अरब में यूजुअली होता है, ये मशीन इस्तेमाल की जाती है, तो कहता है कि मैंने इसमें ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करके पाकिस्तान में ले आया ये मशीन।
तो उस इन्वेस्ट करते हुए उसको आइडिया होगा कि रिस्क भी इन्वॉल्व हो सकता है लोग ना पसंद करें ये वाली रोटियां, या हो सकता है ये ना चले, तो उसने वो सारे फैक्टर्स देखते हुए फिर उसने फर्दर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, जो कि हर एक के लिए बहुत जरूरी है. ठीक है, अब द बिजनेस नीड्स टू नो वेदर दोस फ्यूचर कैश फ्लोस आर वर्थ द अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट. ये वही पॉइंट आ गया कि अब बिजनेसेस को ये जानना बहुत जरूरी है कि वो जो अब वो जो कंटिन्यूसली वो कहते हैं ना, मैंने एक बार दो बार ज्यादा पैसा लगा दिया इस मशीन पे, आई डोंट रिमेम्बर 1 लाख रुपए की या 2 लाख की मशीन थी, वो कहते हैं इस टाइम पे तो मैं इतनी महंगी मशीन ले आया हूँ, लेकिन इससे जितनी रोटियां मैं बेच रहा हूँ वो उससे कहीं ज्यादा प्रॉफिट मुझे दे रही है एज कम्पेयर टू जितनी मैंने इस मशीन पे इन्वेस्टमेंट की थी. तो ये कैश फ्लो कहलाता है, जो आपके पास पूरा एक फ्लो बना हुआ है, जो आपके पास पैसा आ रहा है. अगर वो पैसा आपके पास अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है तो ये वर्थ इट है, फिर आपको इन्वेस्टमेंट इसमें जरूर करनी चाहिए. रिसेंटली मैं उसकी वीडियो सुन रही थी आजाद चाय वाला की, बहुत अमेजिंग स्पीकर है, इसको जरूर सुना करें. लोग इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी करते हैं लेकिन बड़ी अच्छी बातें करते हैं. कहता है कि आप जो है अपना पैसा मत इस्तेमाल करें कुछ अर्से तक, जब आप जॉब कर रहे हैं अपना पैसा संभाल के रखें. लोग क्या करते हैं, जैसे वो जॉब में आ जाते हैं पैसा उनके पास आना शुरू हो जाता है, बड़ी शेखी करके अपने पेरेंट्स को बता देते हैं, फैमिली में बता देते हैं कि हम इतने अर्न कर रहे हैं. फिर क्या होता है कि उस हिसाब से घर वालों के अख्तियार बढ़ जाते हैं. एक बंदा बाहर चला गया तो क्या अख्तियार होते हैं, भाई मुन्ने अभी माँ बाप ने उम्र पे जाना है, भाई मुन्ने अभी बहन की शादी है, भाई मुन्ने अब फर्नीचर बदलना है, भाई मुन्ने अब ये करना है. तो कहते हैं उससे क्या होता है कि उससे आपका पैसा जो है वो डायरेक्ट आ रहा है और जा रहा है, आ रहा है और जा रहा है. आपके पास इतना मौका या आपके पास इतना टाइम नहीं आता या कि आप उसकी री इन्वेस्टमेंट कर सकें, मतलब थोड़ा सा टाइम दें, जरूर लगाएं. कहते हैं मैं फैमिली के ऊपर पैसे लगाने से मना नहीं करता, आप जरूर लगाएं, लेकिन थोड़ा सा टाइम देते हैं कि आपके पास एटलीस्ट 20-30-40 लाख रुपए जमा हो गए. अब अगर आप देखते हैं कि इतने लाख रुपए जमा हो गए और इससे आप बिजनेस ही जो आप लोग कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं उसके अंदर जिस चीज से आपको पैसा ज्यादा मिलेगा उसके ऊपर अगर आप पैसा लगाते हैं तो कहते हैं वेल एंड गुड. जैसे लेट्स से आपकी अर्निंग अगर अगर आप कोई फॉर एग्जाम्पल एक कोई शू मैन्युफैक्चरर है और वो एक कैमरा जो है एक नॉर्मल क्वालिटी कैमरे से पिक्चर्स लेता था, लेकिन अगर वो वही कैमरा जो है 2.5-3-4 लाख रुपए वाला खरीद लेता है और उससे पिक्चर क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है तो चांसेस है कि उसको पैसे ज्यादा मिले, तो बिल्कुल उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए. अब एक बंदा है अगर उसको कंप्यूटर लेकर और उसकी उसी बिजनेस में कंप्यूटर के थ्रू वो ऑनलाइन मार्केटिंग शुरू करे उसकी वजह से उसको पैसा इन्वेस्टमेंट ज्यादा मिलने वाला है तो उस पर जरूर इन्वेस्ट करे. ऐसी चीजों पे इन्वेस्ट करना हमेशा बिल्कुल लायबल है. अब जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग भी मैंने सुना है लोग पबजी से इवन जो है वो पैसे अर्न कर रहे हैं, तो अगर आपको पबजी के लिए फिर वो अपना जॉ स्टिक वगैरह ये और जो इसके शौकीन है और वो उसकी लिए अच्छा मोबाइल लेना चाह रहे हैं और उसके ऊपर प्रॉपर टाइम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, देयर इज नो हार्म इन इट, उसमें फिर पैसा इन्वेस्ट करने में कोई हार्म नहीं है. लेकिन एटलीस्ट हम लोग इस प्लान को जरूर माइंड में रखें किस तरीके से हम अपने पैसों को अपने करंट अमाउंट को मैक्सिमाइज करें. वैल्यूएशन कॉन्सेप्ट क्या है कि द टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज द प्रेफरेंस ऑफ हैविंग मनी एट प्रेजेंट देन अ फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम. इट मींस इफ एन इंडिविजुअल इज गिवन एन ऑप्शन ए टू रिसीव 2000 नाउ और ऑप्शन बी आफ्टर 3 years ही विल प्रेफर रुपीस. लेकिन अगर मैं आप लोगों को एक ऑप्शन दूं कि आपको अभी 1000 रुपए देने हैं, मैं 1000 रुपए देती हूँ तो आप या मैं आपको 3 साल बाद 1000 रुपए दूंगी, तो कौन से वाले 1000 रुपए लेना पसंद करेंगे? अभी वाले मैम, जो अभी आप दे रही हैं. ऑब्वियसली अभी वाले. और दूसरा बंदा वही वाली बात है कि कल किसने देखी है, बंदा कहता है भाई अभी वाले से तो फायदा उठाए ना. तो अभी वाली इस एग्जाम्पल को भी देखते हुए हम कह सकते हैं कि अभी वाले की जो है वर्थ है इम्पोर्टेंस है वो कहीं ज्यादा है फ्यूचर वाले. अब आपने क्या करना है, आपने ये अच्छा चले तो मैं एग्जांपल करवा देती हूँ आपको. अब ये कह रहे हैं कि एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर व्हाट अमाउंट वी विल गेट और व्हाट विल बी फ्यूचर वैल्यू ऑफ ₹10,000 एट रेट ऑफ 4.5% यूनिफॉर्मली. अब देखिए यूनिफॉर्मली की बात कर रहे हैं, मतलब ये कि जिस तरह मैंने भी चार्ट बनाया था 0 ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर का, तो ये कितनी बात कर रहे हैं थर्ड ईयर तक कह रहे हैं कि मैंने आपको 10% का बताया था, ये कह रहे हैं कि 4.5% हर साल बढ़ रहा है. ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो उसके अकॉर्डिंग कहते हैं कि अगर आपके पास 10,000 रुपये इस टाइम पे इन हैंड है तो फ्यूचर में वो कितने बन जाएंगे, कितने होने चाहिए आपके पास. तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ये आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस i की पावर n. तो आप
अब क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे. फ्यूचर वैल्यू हमने निकालनी है, ठीक है, फ्यूचर वैल्यू मांग रहे हैं ना, ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू को हम पीवी की जगह पर लेकर आएंगे. तो ये चीज करनी आती होगी आप हमको, बहुत बेसिक मैथमेटिक्स है, ठीक है. फ्यूचर वैल्यू और इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी, तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू पीवी इसके साथ आ जाएगा. ये मेरा माउस आप लोगों को मूव करता है स्क्रीन पे, नजर आ रहा है? जी, अच्छा, गुड हो गया. तो अब पीवी जो है वो हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई और फ्यूचर वैल्यू हमारे पास इस तरीके से फॉर्मूला आ जाएगा. फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1+i की होल पावर n हो जाएगा. सिंपल इसमें वैल्यूज पुट करनी है, वेयर रुपीज. अब हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू क्या थी, यहाँ पर दी हुई प्रेजेंट वैल्यू हमें 10,000, तो ये 10,000 होगी. इन्फ्लेशन रेट हमारे पास 4.5% है एंड n इज इक्वल टू 3 years हमें बताया, तो ये 3 years हो गया. सिंपल वैल्यूज पुट कर दी, वैल्यूज पुट करके हमारे पास आंसर आ गया 11.66. तो मतलब ये कि आज के 10,000 रुपये जो है 3 साल के बाद, अगर 3 साल मुसलसल 4.5 इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, तो हमारे पास 3 साल के बाद 11,411 रुपये होने चाहिए, तब आकर हम कहेंगे कि ये पुराने 10,000 रुपये और अब के 11,000 रुपये बराबर है, ठीक है. इस टर्म में हम दोनों ये दोनों बराबर होते हैं. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am, clear. Musa Amir, वो आपको clear? Musa Amir हैं, बिल्कुल. Numan, clear हुआ आपको? Samiullah, clear हुआ? Topic? जी ma'am, clear हुआ. Temple समझ आ गई? अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने इसमें मुझे बताना है, नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछूंगी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है. आप लोगों ने सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट देखकर आना है. कंक्लूजन क्या होगी, एक ओवरव्यू दे देते हैं. बाय ऑल द अबव डिस्कशन वी गेट टू नो अबाउट द वैल्यू ऑफ मनी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. मतलब हमारे पास पैसे की जो भी वैल्यू है या बाइंग पावर है वो टाइम के हिसाब से चेंज होती है, ये हमें पता चला. और हमें क्या पता चला, वी लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, हाउ इट विल हेल्प इन मेकिंग डिफरेंट डिसीजन. अब हमें ये भी पता चल गया कि डिसीजन लेते हुए जब भी हमें पैसा लगाना है, हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को अहमियत जरूर रखना है. और साथ ही हमें क्या देखा कि वी गेट टू नो हाउ फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी इज कैलकुलेटेड. हमें ये पता चल गया कि फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, ठीक है. दोनों मैंने भी आपको एग्जाम्पल बता दी. और हमें ये भी पता चल गया कि फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू में बिल्कुल डिफरेंस होता है. इवन अभी जो आपके पास पैसे पड़े हैं और जो कल आपके पास वही पैसे पड़े रहेंगे, उनमें बहुत ज्यादा फर्क होगा. बट आर डिफरेंट टेक्निक्स एंड मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग टोटल टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये हमें पता चल गया. और हाउ कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट प्रोजेक्ट इज डन बाय द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न. तो इसी तरीके से बेसिस ऑफ रिटर्न पे एक फर्म जो है वो किस तरीके से कंपैरिजन करके अपना पैसा जो है वो इसमें इन्वेस्ट करेगी. अच्छा, बाकी वेलकम. कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछना. नहीं मैम, नहीं क्वेश्चन. अच्छा, ऐसा है कि जिन्होंने लेक्चर स्टार्ट कर ले लिया वो तो क्लास को क्विट कर दें, लेकिन जो लोग अभी ज्वाइन किए इनको मैं थोड़ा सा स्टार्ट का जो है वो बैकग्राउंड दे दूं, जो मैंने इनको समझाया था कि इनकी प्रॉब्लम ना हो, तो मैंने ठीक है. बाकी जो है वो बेशक क्विट कर सकते हैं लेक्चर. नुमान, समीउल्लाह, क्या है टाइम वैल्यू ऑफ मनी? हेलो जी. जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी. क्या है टाइम वैल्यू ऑफ मनी? जी मैम, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है? मैम, जो बिजनेस पहले से स्टार्ट करता है ना, उसके लिए ऐसा भी देना हो तो टाइम होगा. इस में जो बंदा पहला बिजनेस स्टार्ट करता है ना, उसके लिए टाइम भी देना होगा, वो बिजनेस के लिए टाइम भी देना होगा और पैसे भी लगाए होगा. अगर आपके पास एग्जांपल, मैंने बिजनेस किया हुआ है लेकिन मेरे पास टोटल रकम है 100 रुपीज,
मुझे चाहिए, मैं 50 रुपए इन्वेस्ट करूंगा और 50 है ना वो मैं अपने पास रखूंगा। इजाद ऐसा कुछ था? नहीं मैम ऐसा तो नहीं था कुछ भी। अच्छा देखें एक बार फिर मैं मुझे मैंने और मैंने जी एक बार फिर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ मूसा आमिर और नमान को। नमान देखें बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर अभी आपके पास मैं इसमें जरा से बना के ड्रॉ करके बताती हूँ आपको। वेट, ये कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास इस टाइम पे 1000 रुपये हैं और इसको हम कह देते हैं जिस करंट टाइम पे आपके पास पैसे होते हैं ना इसको कहा जाता है ईयर जीरो। अब थोड़े अरसे के बाद ईयर वन एक साल के बाद भी आपके पास सेम 1000 रुपये ही हैं पड़ेंगे, ठीक है। फिर अगेन आपके पास इससे अगले साल भी वही 1000 रुपये पड़े हुए हैं। और फिर उसके बाद एक और साल बाद भी तीसरे ईयर भी वही 1000 रुपये आपने अपने पास सेव करके रखे हुए हैं, तो क्या ये 3000 रुपये बराबर है? क्यों क्यों अमाउंट क्यों बराबर नहीं है? क्यों बराबर नहीं है ये पैसे? देखिए जो 1000 रुपये अभी आपके पास पड़े हैं ये जीरो में इस टाइम पे राइट नाउ, उस 1000 रुपये से अभी आप मार्केट में जाते हैं तो 10 kg आटा खरीद सकते हैं। लेकिन आप एक साल के बाद मार्केट में गए तो उसी 1000 रुपये से आपको वो 10 kg नहीं मिलेगा, 5 kg शायद आपको उसमें आटा मिल जाए, ठीक है। फिर वही 1000 रुपये लेकर आप 2 साल के बाद मार्केट में जाते हैं तो शायद आपको 2.5 kg सिर्फ आटा मिले उन 1000 रुपये। और यही 3 साल के बाद आप जब मार्केट में जाए तो शायद आपको उसमें 0.5 kg आटा मिले। तो क्या अब ये बराबर हुए 1000 रुपये 3 साल में? नो मैम। क्यों बराबर ना हुए? क्योंकि मैम वैल्यू चेंज हो रही है टाइम टू टाइम। इजाज को तो बहुत अच्छी तरीके से आ गया ना, थोड़ा सा ये नुमान और मूसा आमिर बता दें। थैंक यू इजाज, आपको तो अभी समझ आया हुआ है ना पहले भी आपको तो ये जी। नुमान क्यों नहीं बराबर हुए? क्योंकि इनकी बाइंग वैल्यू पैसों की जो बाइंग वैल्यू है वो एवरी पासिंग ईयर हमारे पास कम होती गई। जो अब 1000 रुपये थे वो हमारे लिए ज्यादा चीज खरीद सकता था और यही 3 साल के बाद यही 1000 रुपये अब हमारे पास कम चीज खरीद सकते हैं। सही है, इस तरह से ना। चलो बस यही कॉन्सेप्ट है आपको याद रखना। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो मैम। सही, चलो फिर क्लास एंड करते हैं। और वो याद रखें आप, इसे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पूछूंगी कि सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है क्या चीज है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू मैम, थैंक यू।